मॉर्निंग गाइस, कैसे आप सब। मनीषा नेस्ट में आप लोग का स्वागत है। एक न्यू दिन, एक न्यू ब्लॉग। तो जहां ये ब्लॉग कल फिनिश किया था बोट में, वहीं से शुरू कर रहे हैं। तो फाइनल जो डेस्टिनेशन है वो है एक बटरफ्लाई बीच, जो कि बहुत ही एक ब्यूटीफुल जगह है। ऑफ बीट बीच है, यूजुअली यहाँ पे लोग नहीं आते हैं। आप देखेंगे कि कितने कम लोग हैं यहाँ पर। तो ये आप जब साउथ गोवा आएंगे तब आपको यहाँ पर आने को मिलेगा। बोट से यहाँ पर आना होता है, ऑलमोस्ट 30 मिनट लग गया हमें आने में यहाँ पे। एंड यहाँ पर और कोई कनेक्टिविटी नहीं है। आइदर आप आ सकते हैं वॉक करके, मतलब ऐसे पहाड़ों में चढ़ के आ सकते हैं, एंड आइदर आपको यहाँ पर आना होगा बोट से। तो यहाँ पर 2-3 बीचेस हैं, एक हनीमून बीच भी है, बट वहाँ पर नहीं रोका था उन्होंने। उन्होंने यहाँ पर बटरफ्लाई बीच में रोका। आप देख सकते हैं बटरफ्लाई की शेप भी बनी हुई है। तो चलिए इसके अंदर जाते हैं। हमारे साथ बहुत सारे इंसिडेंट्स भी हुए, हम बहुत एक ख़राब चीज़ के विटनेस भी हुए यहाँ पर। ठीक है, किसी है ना। ठीक है, गोवा फेमस है टैन के लिए कि अगर आप यहाँ पर आएंगे तो आपको टैन डेफिनेटली होगा ही। बट इस पर्टिकुलर बटरफ्लाई बीच में आने के बाद में मेरे को डबल टैन हो गया जस्ट 1 आवर के अंदर ही। यहाँ पे बहुत ही गर्मी है। अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो मेक श्योर या तो आप अम्ब्रेला लेके आइए या फिर कवर्ड जो होते हैं, कवर वाले जो ड्रेसेस होती है वो पहन के आइए। मैंने बहुत बड़ा मिस्टेक किया कि मैं यहाँ पर स्लीवलेस ड्रेस पहन के आई। मोस्टली बीचेस में वही पहन के आया जाता है, बट मेरे हैंड्स पे बहुत ज़्यादा सनबर्न हो गया था। सो यस, अपने प्रिकॉशंस लेके आइएगा, सनस्क्रीन बहुत सारा लगा के आइएगा। मैं यहाँ पर एक इंसिडेंट बताती हूँ जो हमने देखा यहाँ पर, मैंने वो कैप्चर किया है, मैं शॉर्ट्स में वो ज़रूर शेयर करूँगी। एंड वो कैप्चर भी कॉन्सिडेंसली हुआ क्योंकि मैं शॉर्ट्स अपना बना रही थी एंड वो शूट हो गया। मैंने देखा कि यहाँ पे 3 फ्रेंड्स एंड 4 फ्रेंड्स थे एक्चुअली। वो एक गर्ल थी एंड 3 बॉयज़ थे, मे बी वो वेस्ट बंगाल से आए थे। एंड जब वो क्लाइम करके आए पहाड़ से तो उनको बहुत गर्मी लग गई होगी आई एम श्योर। एंड उसके बाद में वो लोग जब पानी के अंदर गए, डिप किया उन्होंने, एंड एक जो उसमें पर्सन थे वो मतलब बह रहे थे, मतलब वो डूबने की ही कगार में थे। एंड उन्होंने जस्ट एक बार दो बार हेल्प बोला तो जो बोट में भैया थे उन्होंने जंप करके उनको सेव किया। सो यस, अगर आप ऐसी जगह में आ रहे हैं और आपको आपकी चीज़ें पता है कि आप स्विम कर सकते हैं या नहीं, तो बेटर है, मतलब एडवेंचर इज़ गुड, बट एट द सेम टाइम आपको आपकी चीज़ें भी पता होनी चाहिए। ऐसा हम बोलते ही हैं कि जान है तो जहान है, अगर जान ही नहीं तो फिर और क्या ही है। तो यस, अगर आपको पता है आप स्विम नहीं कर सकते हैं या फिर आपके लिए वो रिस्की हो सकता है, तो आपको ऐसे एडवेंचर्स नहीं करने चाहिए। और आप जब क्लाइम करके आते हैं, आप वैसे ही आपका बीपी ऑलमोस्ट डगमगा ही रहा होता है, एंड जब आप हेल्दी हैं एंड पानी भी वो बैक की तरफ खींच रहा था एंड कोई बीच भी नहीं था, वो डायरेक्ट मतलब बहुत ही कम बीच था, तो सोच समझ के ऐसी चीज़ें देख के फिर ही हमें पानी में जंप करना चाहिए। इसलिए शुभ्रा और मैं बहुत ही सोच समझ के एडवेंचर्स करते हैं, हम पानी में बहुत ही कम जाते हैं, बस थोड़ा थोड़ा ही जाते हैं। तो हमें पता है कि हमारे को क्या नहीं आता है, तो हम इतना रिस्क भी नहीं लेते हैं, घूमते हैं बट विद अ प्रिकॉशन, एंड ऐसी चीज़ें नहीं करते हैं जिससे हमारे घर वालों को टेंशन हो। सो यस, पहुंच गए हैं बातें करते करते एयरपोर्ट। सो चलिए एयरपोर्ट के अंदर जाते हैं, वहां पर जाके भी एक दो ट्रेजेडी हुई है, वो आप लोगों के साथ में शेयर करती हूं। तो चलिए, हम एक ऐसे अभी स्टेट में है जहाँ पे टेम्परेचर अभी बहुत ज़्यादा हाई है, और एक ऐसे स्टेट में अभी जाने वाले हैं जहाँ पर टेम्परेचर बहुत लो है, एंड हमारे ड्रेसेस हमें चेंज करने हैं। जब मैंने एयरपोर्ट में एंटर किया तो मैंने देखा ऑलमोस्ट सबके ही लगेज ओपन हैं एंड सारे ही ड्रेस चेंज कर रहे हैं। सो यस, अभी ड्रेसेस तो चेंज हो गया है, रेस्ट रूम में जाके सब कुछ चेंज वेंज कर लिया, एंड अभी टाइम आ चुका है कि अपने जो भी बैग्स है वो सबमिट कर दे।
हम इतना अर्ली आ गए थे कि उन्होंने बोला कि आप वेट करो, आपके भी फ्लाइट के हम नहीं ले रहे हैं बैग्स। तो ये इतना टाइम था, हमारी लेट नाइट की फ़्लाइट थी। तो बोर्डिंग पास मिल चुका है एंड अभी हमें जाना है ऊपर, ताकि क्या यहाँ पर कुछ भी करने के लिए नहीं है। इनका एयरपोर्ट बहुत ही छोटा है गोवा का, मे बी न्यू वाला जो बना है वो बड़ा होगा, बट ये तो बहुत ही बोरिंग सा एंड छोटा सा है। एक्सपेक्टेड नहीं था गोवा इतना ज़्यादा फेमस है, सो ये वाला एयरपोर्ट भी अच्छा होना चाहिए था। आज जो इंसिडेंट्स हमने देखे हैं, आज का जो भी हमारा एक्सपीरियंस रहा, उससे हम दोनों ने ये तो लर्न किया है। आज हमने यही चीज लर्न करी कि आपको जो चीज नहीं आती है वो चीज आपको नहीं करनी चाहिए, स्पेशली एक ऐसी जगह में जहाँ पर हाई ऑफ रिस्क है। और एडवेंचर तो हम दोनों को एकदम ही अवॉइड करना चाहिए, जो हम वैसे भी नहीं करते हैं। आज हमने सीख ले ली कि अब तो एकदम भी ट्राई नहीं करेंगे, बच के चलो हर जगह में। सो मेरे साथ एक और बैड एक्सपीरियंस ये हुआ कि मैंने उस शॉप से कैंडल्स ली थी जो मेरे को बहुत ही पसंद है, बट मुझे ये नहीं पता था कि एयरपोर्ट में अलाउड नहीं होता है। एंड उन्होंने मेरी सारी कैंडल्स रख ली, ऑलमोस्ट 1000 रुपीज़ की कैंडल्स थी जो मेरी वेस्ट हो गई। सो येस, बहुत ही रोना आया मुझे कि मेरे अमाउंट वेस्ट हुआ। उसका तो है गम, वो शुभ्रा को ज़्यादा है, ही पेड, बट मुझे कैंडल्स ले लिया जो इतनी अच्छी खुशबू थी, तो वो उसका मुझे ज़्यादा गम हुआ। सो ठीक है, अभी अफसोस नहीं कर सकते हैं। अब मेरे को ये भी एक लर्निंग हो गया, मे बी नेक्स्ट अगर मैं कहीं से आऊँगी तो मैं नहीं लेके आऊँगी। सो येस, अभी जाते हैं। एंड एयरपोर्ट अंदर आने का बहुत ज़्यादा वॉकिंग था, बाहर कुछ बैठने के लिए जगह ही नहीं है, इतना छोटा है, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा वॉकिंग है। तो चलिए पहले फ़्लाइट में बैठ जाते हैं एंड देखते हैं कि हमें विस्तारा में क्या मिलता है फूड, क्योंकि हमारी जो फ़्लाइट है वो विस्तारा है एंड विस्तारा फूड तो ऑफ़र करता ही है। एंड बहुत ज़्यादा ही रात हो चुकी है, धीरे धीरे मेरी तबीयत भी ख़राब होती जा रही है, तो चलिए। आज ये ट्रिप जो है एंड हो रहा है और मुझे बहुत ही ज़्यादा इमोशनल भी हो रहा है, क्योंकि इतना लंबा ट्रिप था, बहुत दिनों बाद हमने वेकेशन प्लान किया था इतना लंबा, नहीं तो 2-3 दिन के ही हमेशा ट्रिप में जाते हैं। एंड बहुत ही अमेजिंग ट्रिप थी, बहुत कुछ लर्न किया इस ट्रिप में, बहुत कुछ देखा समझा, न्यू स्टेट्स देखे, बहुत सारे स्टेट कवर किए, बहुत सारे नए नए लोगों से मिले, न्यू फूड ट्राई किया, एक अमेजिंग भारत को देखा, बहुत कुछ समझा। एंड येस, डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा खुश हैं कि एक इतना अच्छा एक्सपीरियंस लेके जा रहे हैं अपने घर। एंड फूड इज़ हेयर, देखते हैं कैसा फूड है। एंड विस्तारा वैसे फूड अच्छा देता है, एंड देखते हैं हमारा फूड कैसा है। बगान दिखे एक बहुत ही अमेजिंग वेकेशन के बाद पहुंच गए हैं अपने घर अपनी सिटी में। बहुत ही अच्छा लग रहा है, रात के हो रहे हैं ऑलमोस्ट 1, बहुत लेट हो चुका है, बट येट बहुत चीज़ें अभी होना बाकी है एयरपोर्ट के अंदर जो आप आगे देख पाएंगे हमारे शुभ्रा जी की वजह से। अभी भी जो एडवेंचर्स है वो ख़त्म नहीं हुए हैं, जो कि डेंजर वाले नहीं है बट इंटरेस्टिंग वाले हैं, मैं आप लोगों को आगे दिखाती हूँ। तो लैंड कर लिया है हमने सेफली, जो मुझे इस मोमेंट में बहुत डर लगता है हमेशा ही, एक टेक ऑफ और एक लैंडिंग के टाइम पे। आई डोंट नो व्हाई, हमेशा शिवजी मेरे बस मंत्र चलता ही रहता है। सो आप लोग बताइएगा, आप लोगों का जब ऐसा टाइम होता है तो आप लोगों को कैसा लगता है। सो येस, चलिए अभी निकल जाते हैं बाहर। बहुत ही ठंड हो रही थी इस मोमेंट में, एयरपोर्ट में जाके कैसा कंडीशन होगा पता नहीं, बट इस मोमेंट में हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही थी।
इस मोमेंट में मैं रियलाइज कर पा रही थी कि मेरी हेल्थ की कंडीशन एकदम ही वर्स्ट होती जा रही है। शुभ्रा भी थोड़ा डर रहा था क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा कोल्ड एंड फीवर यहीं से स्टार्ट हो गया था, तो मैं फील कर पा रही थी कमिंग डेज मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा हार्ड होने वाले हैं। तो यस, पहुँच गए हैं टर्मिनल 3, जो कि सबसे ब्यूटीफुल है, बट एंट्री के टाइम पे, एग्जिट के टाइम पे भी अच्छा। अरे रूपा लाइट लागा आज चक्रवर्ती। इज्जत चक्रवर्ती, अरे लागा ना आज यार। ओ वाओ, दिस इज अ गुड एंड। बाहर ये ठंडा कर रहा है। सो ये मिस्टर गोवा एयरपोर्ट में भी और यहाँ पर भी, बेंगलोर में भी इवन, इसने हमेशा अपने रॉन्ग बैग पिक किए। इसको याद ही नहीं रहता इसका कौन सा बैग है, जहाँ सिमिलर दिखा इसको लगता है ये मेरा ही बैग है। तो ये हरकत ये 2-3 बार कर चुका है, पता नहीं ये अकेले ट्रैवल करता है तो कैसे आइडेंटिफाई करता है। तो यस, पहुँच गए हैं दिल्ली एकदम कड़कड़ाती ठंड में एंड अभी जा रहे हैं अपने ब्लू के पास। तो ब्लू इसने एडवांस में ही बुक कर ली थी, हम हमेशा ही ब्लू को ही प्रेफर करते हैं, बहुत ही सेफ़ जर्नी रहती है इसमें, ऊबर से ज़्यादा सेफ रहता है क्योंकि बहुत लेट हो गया था। तो कैसा लगा आज का ब्लॉग गाइस, प्लीज़ बताना ज़रूर कमेंट करके। मिलेंगे कल, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा, सब्सक्राइब।